लास्ट क्लास में हमने बात की थी फ्लक्स की और गॉस लॉ की. ओके, सो अगर हम गॉस लॉ के कुछ क्वेश्चंस करें, ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा. सपोज हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है ए बाय ए की, क्लियर, और हमने ठीक इसके सेंटर से बिल्कुल a बाय टू हाइट पे एक चार्ज रख दिया है q, क्लियर. आपको बताना है व्हाट इज फ्लक्स थ्रू दिस प्लेट. ये आपका क्वेश्चन है, फ्लक्स थ्रू दिस प्लेट. ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक, अब बेटा था क्या कि हमें यह पता था कि जो हमारा गॉस लॉ है दैट इज फॉर क्लोज सरफेस, और जब हम इस सरफेस की बात करेंगे तो यह सरफेस हमारी ओपन सरफेस है, क्लियर. तो मैं इस सरफेस को आपको जरा सी दिखा भी दे रहा हूं. तो ये रही हमारी सरफेस, ओके. अब अगर आप देखेंगे तो ये ओपन सरफेस है, और हम एक काम करते हैं, हम इसको कोशिश करते हैं क्लोज सरफेस बनाने की, और हमारी जो क्लोज सरफेस बनेगी इस तरह से बनाएंगे कि हमारा जो चार्ज क्यू है, ये देख रहे ना आपको चार्ज क्यू, ये बिल्कुल सिमेट्रिक रहे हर सरफेस से. ओके, तो जरा देखते हैं कि ये हम कैसे बनाएंगे. तो सपोज हमने एक ओके एक हमने क्यूब बना लिया बेटा. ओके, ये भी ए है, ये भी ए है, सारी आर्म्स इसकी ए हो गई, क्लियर. और अब अगर आप देखेंगे तो इस क्यूब के ये जो मेरा चार्ज है ये बिल्कुल इसके सेंटर पे है. अब ऐसा हमने क्यों किया, देखिए ये इसलिए किया गया बेटा कि अगर मैं देखूं यहां से सपोज इस एरिया में कुछ लाइंस निकल रही हैं, ओके, तो जितनी भी लाइंस यहां से बाहर निकलेंगी एग्जैक्टली सेम लाइंस इधर के लिए निकलेंगी. अरे सिमेट्रिक हो गया ना बिल्कुल. तो टोटल फेसेस कितने हो गए, सिक्स. सपोज फ्लक्स थ्रू वन फेस इज आई एम कॉलिंग इट फाइव फेस, एक फेस से मेरा फाइव फेस है, तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया, व्हाट इज टोटल फ्लक्स, कितने फेसेस है बेटा, सिक्स. सो टोटल फ्लक्स इज सिक्स इंटू फाइव फेस. ये समझ में आ गया, ठीक है जी. तो अब अगर ये आपने देखा और हमें पता है गॉस लॉ से ये किसके बराबर होगा, q इनक्लोज्ड बाय एप्साइलन नॉट, क्लियर. तो बेटा ये जो मेरा फाइव फेस है एक फेस से, यही तो मुझे निकालना था, दैट इज इक्वल टू q इनक्लोज्ड बाय सिक्स एप्साइलन नॉट, या इसे आप क्या कह सकते हैं, q इनक्लोज कितना था बेटा, ये कैपिटल Q, तो मेरा आंसर आ गया Q बाय सिक्स एप्साइलन नॉट, ये आंसर हो गया, क्लियर. हाँ जी, कोई डाउट किसी तरह का आपके पास हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, चैट में मुझे भेज सकते हैं. ओके, तो इस पे कोई डाउट नहीं. चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है. अब जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमारे पास लेट्स से एक हेमी स्फेरिकल बाउल है, और इसके ठीक सेंटर पे मैंने एक चार्ज रख दिया है Q. ओके, नाउ व्हाट इज द फ्लक्स, प्लीज ध्यान रखिएगा
इसका जो ये सरफेस है ये ओपन है, ये दिखा रहा हूं आपको, ये वाली सरफेस, दिस ब्लू सरफेस इज ओपन, ये बेटा ओपन है इधर से. ओके, सो दिस इज नॉट अ क्लोज सरफेस, इट्स अ बाउल लाइक सरफेस, कटोरी आपने उल्टी कर दी है. ठीक है, तो आपको बताना है फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, जैसे हमने पिछले बार किया था बिल्कुल वैसा ही. अब आप क्या करना चाहेंगे? हाँ जी, इस तरह से कि एक क्लोज सरफेस बन जाए और सिमेट्रिक बने, जैसी ऊपर है वैसी ही नीचे बनी. ओके, वेरी गुड, कंप्लीट द स्फीयर, बहुत अच्छी बात है. तो रागनी ने ये जवाब दिया शायद. ओके, तो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं इसको ऐसे करके बेटा, एक स्फीयर आप कंप्लीट कर लीजिए. क्लियर? नाउ व्हाट इज क्यू इनक्लोज्ड? क्यू इनक्लोज्ड अब हो गया क्यू. ठीक है, ये किसके लिए हो गया बेटा? फॉर माय स्फेरिकल सरफेस. अब देखिए बेटा, सिमेट्री से आप कह सकते हैं जितना मेरे पास लाइंस इधर जाएंगी अपवर्ड डायरेक्शन में, बिल्कुल उतनी ही लाइंस किधर जाएंगी, इधर मैं डॉटेड बना रहा हूं बेटा. ठीक है, लाइंस तो इधर भी जो है वैसे ही जाएंगी जैसी ऊपर गई है, बट क्योंकि मैंने ये इमेजिनरी लिया है तो अब क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस से मैं कह सकता हूं, सपोज दिस फ्लक्स इज फाई. ओके, तो मेरे पास व्हाट इज टोटल फ्लक्स? यस, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस. टोटल फ्लक्स क्या हो गया बेटा? हाँ जी, ऊपर वाले सरफेस से जो ब्लैक सरफेस है, जो सॉलिड सरफेस जो हमें गिवन थी, उससे फाई है और आपने इसे कंप्लीट कर लिया, तो व्हाट इज टोटल फ्लक्स? इसका भी फाई और इसका भी फाई मिलके 2 फाई. क्लियर? और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये किसके बराबर हो जाएगा? गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा बेटा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. सो माय फाई इज क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. बिल्कुल सही ये आंसर आया है. ठीक है, चैट पे. ओके दिव्यम, वेरी गुड बेटा. क्लियर? तो ये सभी ने निकाल लिया होगा. तो इस तरह से आप टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका हो गया फ्लक्स थ्रू अपर सरफेस और अपर हाफ. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे बेटा. अब मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंडर है, तो ये हमारा सिलेंडर है. ठीक, इस सिलेंडर के, अच्छा ये सिलेंडर जो है ये क्लोज्ड है, मतलब एक साइड से, एक साइड से ओपन है. ये वाली साइड आपकी जो टॉप है ये ओपन है, ये ओपन है, और इस ओपन सरफेस के बिल्कुल सेंटर पे मैंने एक चार्ज रख दिया है क्यू. आपको मुझे बताना है फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर. ठीक है जी, मैं आपको यहां पे लाइंस दिखा दे रहा हूं, कुछ इस तरह से लाइंस निकल रही होंगी. तो इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्व करने का एक टिपिकल पैटर्न है. क्लियर? चाहे आपने क्यूब देखा, चाहे आपने स्फेयर देखा, और अब ये एक सिलेंडर आ गया. तो जल्दी से आंसर बता दीजिए. पहले तो कॉन्सेप्ट बता दीजिए, करना क्या होगा. हाँ जी, बिल्कुल सही बात है. क्या करेंगे भाई? इसको आइडेंटिकल
एक सिलेंडर लेके इसके ऊपर रख देंगे जिससे ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाए। अब देखिए क्या होगा, जितनी लाइंस नीचे गई हैं उतनी ही लाइंस ऊपर वाले सिलेंडर से हो जाएंगी। ओके, हमें निकालना क्या था, इसका फ्लक्स, इसका फ्लक्स भी क्या होगा, फाई। सो टू फाई इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, तो यहां से आपका फ्लक्स आ जाएगा क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ओके हाँ जी, तो ये क्लियर है आपको? यस सर। कोई डाउट इनमें? नो सर। ओके, तो अब एक टेस्टिंग क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है? अब देखिएगा, अगेन मेरे पास मान लीजिए एक सिलेंडर है, ठीक है, और ये जो सिलेंडर है ये इधर से क्लोज है। अगेन मैंने चार्ज रखा बिल्कुल इसके सेंटर पे Q, और अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने एक बाउल रख दिया ऐसे करके, ओके ठीक। नाउ दिस इज अ फाई सिलेंडर, जो फ्लक्स यहां से पास होगा उसे हम कहेंगे फाई सिलेंडर, और जो यहां से पास होगा उसको हम कहेंगे फाई हेमिस्फीयर। आपको मुझे बताना है इनमें कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, क्या लगता है आपको? हाँ जी, विख्यात इज सेइंग इक्वल, वेरी गुड बेटा। और कोई? मुझे अभी नहीं पता कि ये सेम आएगा नहीं आएगा। ओके, हिमांक ने भी कहा सेम, वेरी गुड बेटा। चलिए फिर चेक करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए, ओके सेम आ गया सबके, वेरी गुड बेटा। देखिए होगा क्या, अब अगर आप देखेंगे, सपोज ये मेरे पास चार्ज रखा हुआ है, तो यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, जितनी लाइंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी उतनी ही लाइंस अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी। क्लियर? दैट मींस कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लोअर सेक्शन से हैं, वो ही किससे होंगी, अपर से। सो फाई हेमिस्फेरिकल, अगर मैं फाई कह रहा हूं तो फाई सिलेंडर भी मेरा क्या हो जाएगा, फाई, एंड फाई प्लस फाई इज इक्वल टू क्यू बाय, और क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, मैं इसे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं। तो मेरा एक जो, चाहे आप सिलेंडर कहिए चाहे आप हेमिस्फीयर कहिए, उससे जो फ्लक्स हो जाएगा दैट इज क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। और अब जो पॉइंट आ रहा है, एक्चुअल में वो सेकंड चैप्टर में फिर से आएगा, ठीक। इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। अब बेटा समझते हैं कि हमारे पास जो कंडक्टर था ना,
वो था क्या भाई? कंडक्टर में हमारे पास बहुत सारे क्या थे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इतने बेटा कि चिंता मत करना कि कभी खत्म हो जाएंगे, ठीक है? तो बहुत लार्ज नंबर है कंडक्टर में, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो अब मान लेते हैं हमारे पास एक, अरे ये क्या हुआ, जो बनना होता तो बनता नहीं है। ओके, एक स्फेरिकल कंडक्टर है। ओके, ये क्या है? स्फेरिकल कंडक्टर। अब देखिएगा बेटा, इसमें ये मैं आपको दिखा रहा हूं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूं कुछ, बट प्लीज ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन दिखाने का मतलब ये नहीं कि इसमें कोई चार्ज है, ये बातें हम सब पहले कर चुके हैं बेटा, ठीक है? तो व्हाट इज माय नेट चार्ज? नेट चार्ज इज जीरो, ये चार्ज अभी हमारे पास जीरो है बेटा, क्लियर? ओके, अब मैंने क्या किया, इसको बिल्कुल इसके सेंटर पे मैंने यहां पर एक चार्ज दे दिया प्लस क्यू, और एक दिन हमने बात की थी कुछ, ठीक है? अब ये नेट चार्ज जीरो नहीं है, तो मैं इस नेट चार्ज को यहां से उड़ा दे रहा हूं, क्लियर? हाँ जी, अब नेट चार्ज कितना हो गया? अब बेटा मेरे पास नेट चार्ज हो गया है क्यू। ओके, अब कहानी समझिएगा। मान लीजिए मैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिखाऊं, और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं बेटा। तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आप सबको पता है, अवे होंगी ऐसे करके, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बेटा। और आप सबको ध्यान होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड में किसको रखा गया, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये रेड कलर से जो दिखा रखा है आपको, ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? हाँ जी बोलिए बोलिए। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सब किधर आएंगे? अंदर की ओर। कब तक आते रहेंगे? जब तक ये वाला चार्ज जीरो ना हो जाए। ये समझ में आया? अब आप कह सकते हैं कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन गया तो यहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा? जो सेंटर पे चार्ज था वो यहां तक आ गया, क्लियर है? लेकिन अभी भी कहानी खत्म थोड़ी हुई, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ओ ओ ओ ये उल्टा हो गया। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? फिर अंदर की ओर। ये समझ में आ रहा है बेटा? तो ये इलेक्ट्रॉन कब तक अंदर जाते रहेंगे? जब तक सारा का सारा चार्ज कहां ना आ जाए? मेरी सरफेस पे। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स will move unless until the whole charge comes at the surface. तो भैया जब तक ये सरफेस पे नहीं आएगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, और अगर अंदर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे, फाइनली सारा का सारा चार्ज कहां आ जाएगा? आपकी सरफेस पे। ओके, यस, किसी ने कुछ कहा था अभी? हाँ जी, एक्सप्लेन दिस पॉइंट अगेन। बेटा एक हमारे पास स्फीयर है, अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मैंने सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज दे दिया, ठीक है, और ये हमारा क्या है? कंडक्टर है, तो कंडक्टर में क्या अवेलेबल होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे? ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये सारे इलेक्ट्रॉन सेंटर पे पहुंच के इस चार्ज को क्या कर देंगे?
जीरो। ये समझ में आया? ओके अब बेटा यहां से अगर चार्ज गया तो यहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा? यहां कोई चार्ज नहीं था, नेट चार्ज जीरो था, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो यहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। जो ये प्लस क्यू था ये एक तरह से कहां जा रहा है बेटा? बाहर की ओर। और ये कहां तक बाहर आता रहेगा? बिल्कुल इसकी सरफेस तक। और जब ये सरफेस पे आ जाएगा इसके बाद सरफेस से बाहर तो जा नहीं सकता है, तो इस तरह से सारा का सारा चार्ज जो मेरा है वो कहां कलेक्ट हो जाएगा? एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ओके। तो पहला पॉइंट लिखिएगा बेटा, फर्स्ट पॉइंट इज द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर हैज नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। तो स्टैटिक सिचुएशन में अगर आप किसी कंडक्टर को कोई चार्ज देंगे तो वो चार्ज कभी भी कंडक्टर के अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो सारा का सारा चार्ज कहां पर आ जाएगा? सरफेस पर। मैंने आपको यह प्रूफ किया किसके लिए बेटा? स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, बट दिस इज ट्रू फॉर कंडक्टर्स ऑफ ऑल शेप्स। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको एक क्यूब की तरह का एक आपको कंडक्टर दे दिया, ठीक है, और मैंने इसको बिल्कुल सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज दिया, तो ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाएगा बेटा? एट द सरफेस। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं बेटा सेकेंड पॉइंट क्या है। अब जरा सी बात करते हैं, फिर से हम लेते हैं एक अपने पास। ठीक, अब देखिएगा, मान लीजिए ये मेरा क्या है? कंडक्टर है, और मैंने जो भी चार्ज दिया, अब क्लियर है हमें वो सारा चार्ज कहां गया बेटा? द होल चार्ज इज एट द सरफेस। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक गॉसियन सरफेस ले रहा हूं। ओके, दिस इज माय गॉसियन सरफेस। तो एक काम करते हैं, इसको जरा स्फेरिकल बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, ये मैंने ले ली बेटा अपनी गॉसियन सरफेस। अब एक इंटरेस्टिंग चीज समझना बेटा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये आपका बोर्ड में भी आ सकता है। एक्चुअली में ये अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे ना तो सेकंड चैप्टर में आपको मिलेगा, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर करके ही दिया हुआ है, 4 या 5 पॉइंट्स हैं इसमें। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये जो गॉसियन सरफेस हमने आपको दिखाई है, सपोज यहां पे मैं कहता हूं आपसे कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे मैंने आपको बता रखा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, बट आपने कहा नहीं नहीं सर हम आपकी बात नहीं मानते, क्लियर। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो सकती है? यहां पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है आपका अंदर की ओर है। ठीक है, मान लीजिए किसी ने कहा सर अंदर की ओर है, नो प्रॉब्लम। होगी कैसी? अगर होगी तो होगी कैसी? रेडियल। रेडियल क्यों होगी? ड्यू टू सिमेट्री। सिमेट्री की वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रेडियल होना पड़ेगा इफ
इफ ई एग्जिस्ट, अगर करेगी, और मैं भी प्रूव कर दूंगा आपको कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगी. ओके, नाउ व्हाट इज क्यू इनक्लोज्ड? ये सबको क्लियर है बेटा? सारा का सारा चार्ज कहां है मेरा? ये रहा सरफेस पे. इसके अंदर जो चार्ज है वो कितना है? जीरो. तो व्हाट इज क्यू इनक्लोज्ड? ओ ओ क्यू नहीं भाई, जीरो है. ठीक है, क्यू इनक्लोज्ड जीरो आ गया. अब जरा देखें, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू जीरो. वाई जीरो? बिकॉज माय क्यू इनक्लोज्ड इज जीरो, तो जीरो बाय एप्सिलॉन नॉट इज आल्सो जीरो. अब बेटा जो बात हुई थी हमारी, कि यहां पर अगर मेरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है, तो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूं? ई इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू जीरो. ये समझ में आया? ऐसा मैंने क्यों लिखा? बिकॉज ई इज पैरेलल टू डी ए एवरीवेयर इन गॉसियन सरफेस. एक तो ये कहानी से हो गई, ठीक है, और दूसरी ई का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा होगा बेटा? कॉन्स्टेंट ड्यू टू सिमेट्री. ये पॉइंट ले लीजिए या ये पॉइंट ले लीजिए या ये पॉइंट ले लीजिए, सबका डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम है, सबके सब सिमेट्रिकल पॉइंट हैं. दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होना पड़ेगा. अब खेल समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया बेटा. व्हाट इज दिस? दिस इज एरिया, सरफेस एरिया ऑफ, दिस इज सरफेस एरिया ऑफ माय गॉसियन सरफेस. मैं कितनी भी छोटी गॉसियन सरफेस ले लूं, ये कभी भी जीरो नहीं होगा. तो समथिंग इनटू अ नॉन जीरो क्वांटिटी इज इक्वल टू जीरो. दैट मींस माय ई इज व्हाट? जीरो. माय सेकंड पॉइंट इज, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन स्टैटिक सिचुएशन. ओके, अब बोर्ड की जब आप बात करेंगे बेटा, तो ये प्रूव करने के लिए आ सकता है कि प्रूव दैट इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. इस बार तो वो 20 मार्क्स के उन्होंने जो वन मार्क फिल इन द ब्लैंक ये सब शुरू किए हैं, ठीक है, उनमें इस तरह के क्वेश्चंस हैं. तो वो पूछ देगा कहीं पे आपको कोई चीज छोड़ देगा, ठीक, जैसे उसने ये पूछ दिया इनसाइड अ कंडक्टर डैश इज जीरो, शेयर, तो ये आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट और बात करते हैं बेटा, और ये पॉइंट मैंने आपसे कहा था कि किसी भी कंडक्टर में, ओके, मैं किसी भी तरह का कंडक्टर ले लेता हूं अभी, चलिए स्फीयर बहुत हो गए हैं, अब मैं एक क्यूब शेप में ले लेता हूं, क्यूबॉइड ले लेते हैं, चलिए और बेटर हो जाएगा. ओके, तो ये मेरे पास एक ए बाय बी बाय सी इस तरह का एक कंडक्टर है. प्लीज ध्यान रखिएगा बेटा, कंडक्टर है. और अभी अभी हमारी बात हुई कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, क्लियर. अब आप में से किसी ने कहा कि सर हम ये नहीं मानते कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉर्मल है. चलिए, आप बड़ी अच्छी बात है, आपने कहा नहीं मानते, मैंने भी कहा कोई बात नहीं, नहीं मानेंगे. सपोज हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, ओके, मैं जरा सी ये सरफेस भी आपको दिखा दूं, तो ये ब्लू कलर ले लेते हैं. ये जो है हमारी सरफेस हो गई, और अगर आप देखेंगे तो ये मेरी सरफेस पे लाइन है, क्लियर,
और ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कुछ एंगल बना रही है, लेट्स से थीटा, कुछ भी एंगल बन रहा है, ओके okay? अब क्या होगा, मैं इसके दो कंपोनेंट ले लेता हूं बेटा। एक कंपोनेंट को मैं कह रहा हूं ई पैरेलल, और एक को मैं कह रहा हूं ई परपेंडिकुलर, ठीक है। सो अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल टू कंडक्टर, देन इट मे हैव टू कॉम्पोनेंट्स, ओके, ई पैरेलल एंड ई परपेंडिकुलर। इससे सभी एग्री कर रहे होंगे बेटा। अब देखिए क्या होगा, अभी अभी बात हुई थी कंडक्टर में क्या होता है, यहां पे क्या होंगे, यहां पे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और कब तक मूव करेंगे, तो मैं नीचे लिख रहा हूं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस, जो सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, मूव अपोजिट टू ई पैरेलल, और कब तक मूव करेंगे, जब तक ये ई पैरेलल जीरो ना हो जाए। दैट मींस मैं कुछ भी कर लूं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंपोनेंट को कभी यहां पर रहने ही नहीं देंगे। तो मेरे पास हर केस में कौन सा कंपोनेंट बच जाएगा बेटा, ओनली दिस, क्लियर। तो ये कंपोनेंट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, दैट मींस हमेशा मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है जी। ठीक है ना, हां जी, अब बोलिए कोई डाउट। वो एक क्लास टेंथ में काउंटर मेथड किया करते थे ना, कि अज्यूम कर लेते थे भाई ये नहीं नहीं ऐसा मान लेते हैं हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे, ये मेरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मेरे दो कंपोनेंट इस सरफेस पे क्या अवेलेबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये तब तक मूव करते रहेंगे जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। जैसे ही ये कॉम्पोनेंट जीरो होगा, बचेगा कैसा कॉम्पोनेंट, परपेंडिकुलर, और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो भाई थर्ड पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, लिखिएगा बेटा थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है एट द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर, एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। तो ये एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो तीन पॉइंट आज हमने देखे, एक और यहीं पे लिख लीजिए, वैसे ये आपकी बुक में हो सकता है, फोर्थ पॉइंट दिया हो, फिफ्थ पॉइंट जो पोटेंशियल पढ़ाऊंगा वो उससे रिलेटेड होगा, ठीक है, फाइव पॉइंट दिए होंगे, फोर्थ पॉइंट जो है ई सरफेस,
ये अभी थोड़े टाइम के बाद हम डिस्कस कर लेंगे. ई सरफेस इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप. एन कैप क्या है बेटा? डायरेक्शन है, ठीक है. और प्लीज ध्यान रखिएगा ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज पर यूनिट एरिया. जनरली इसे सिग्मा कहा जाएगा, ठीक है. जैसे हमने लैम्डा पढ़ा था, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक. यह है चार्ज पर यूनिट एरिया. तो दिस अगेन दिस इज ट्रू फॉर ऑल कंडक्टर्स, किसी भी शेप का हो, स्फेरिकल हो, क्यूबिकल हो, क्यूबॉइड हो, या कोई रैंडम शेप का हो. तो मान लीजिए मेरे पास ये बेटा एक रैंडम शेप चाहिए. हाँ, रैंडम शेप का एक क्या है, कंडक्टर है. और मैं ये इसकी सरफेस पे एक पॉइंट है, तो यहां पर अगर मैं देखूंगा तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस डायरेक्शन में. सिमिलरली इस पॉइंट की बात करूं तो यहां पे इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर मैंने इसे कोई चार्ज दिया हुआ है, चार्ज कंडक्टर की बात हो रही है, तो ये मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे होगा और सरफेस से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकल रही होगी बेटा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, ठीक. इसके दो एप्लीकेशन हमने देख लिए थे, ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू लाइन चार्ज. अब बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल. क्लियर? तो जरा सी इसको पहले समझ लेते हैं बेटा. ये हमारे पास शेल है, शेल जानते हैं ना. ओके, शेल का मतलब यहां पे बेटा हॉलो है. और क्लियरिटी के लिए हम इसे थिन शेल अज्यूम कर लेते हैं, बिल्कुल पतला है, ठीक है. यानी एक ही जो लाइन आपको दिख रही है ब्लैक कलर की, यही है और यही इसकी सरफेस है. क्लियर? तो इनर आउटर सरफेस कुछ है ही नहीं, अभी ये मान लेते हैं, बाद में इनर आउटर सब देखेंगे. तो ये हॉलो है और मैंने इसको बेटा चार्ज दिया, लेट से चार्ज दिया क्यू. तो ये क्यू चार्ज कहां आएगा? ये सारा का सारा क्यू चार्ज हमारी सरफेस पे आ जाएगा. क्लियर? अब मेरे पास बेटा थ्री पॉइंट्स आएंगे. पहला है ये, इसको हम कह रहे हैं चलिए पी सेंटर, चार पॉइंट ले लेते हैं. फिर एक है पी इन, ठीक है. एक है पी सरफेस और एक है पी आउट. तो मैंने चार पॉइंट्स आपको दिखाए हैं, ठीक है. पहला पॉइंट है ये रहा पी सी, दिस वन इज पी इन, this one is P surface and this one is P out. तो इन चार पॉइंट्स पे देखिए इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ठीक. हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को लिख लेंगे R. ये सेंटर है मेरा, ठीक है. तो फॉर PC, ठीक है, इसके लिए स्मॉल r इज इक्वल टू जीरो. For P in, R less than capital R, जहां पे capital R किस क्या है, इस sphere का radius. ये देखिए ये रहा radius, ठीक है. Then we have P out. तो P
सॉरी हाँ चलिए पी आउट लिख लेते हैं, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, और फिर आ गया पी सरफेस, ये आपका हो गया आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। ओके, तो इन चार पॉइंट्स पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ क्यों अप्लाई कर रहे बेटा? क्योंकि यहां पर सिमेट्रिक सिचुएशन बनाना बहुत इजी है, तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ठीक है। और मैं एक काम करता हूं, मैं इसको जरा कॉपी कर लेता हूं, ये अगर मेरा कॉपी हो जाए तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, अदरवाइज फिर से बन जाएगा। चलिए देखते हैं, कॉपी हो गया तो ओके। तो अब आगे चल रहे हैं, क्या बात है, आ गया ठीक है। और अब बेटा हम पहली बात करते हैं इसके सेंटर की, तो पी सेंटर, क्लियर। या अब मैं इसे पी नहीं कहूंगा, पॉइंट तो हमने दिखाई दिया आपको, अब मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं इसे कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। तो ये बेटा आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने पहले ही इसको देख लिया था कि जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो बिल्कुल सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगी, जीरो, बिकॉज जो यहां पर होगा वो इधर की ओर पॉइंट कर रहा होगा, जिसके बिल्कुल सिमेट्रिकली एक अपोजिट चार्ज होगा जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली इन दो पॉइंट्स पर, ये इधर लग रहा होगा, ये इधर लग रहा होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो सबसे आसान है ई सेंटर, ओके। हाँ जी, इसमें किसी को डाउट? ओके, तो ई सेंटर पे किसी को भी डाउट नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। ओके, अब बात कर रहे हैं इस पॉइंट की, दैट इज माय पी इन, क्लियर। सो नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन ई इन, और ये डिस्टेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये सेंटर से ये डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है आर। तो क्या करेंगे भाई, करेंगे ये कि एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे लाइक दिस, क्लियर। तो ये रही मेरी गॉसियन सरफेस। अब देखिएगा, व्हाट इज क्यू इनक्लोज्ड, थोड़ी देर पहले हम ये सब कर चुके हैं बेटा। व्हाट इज क्यू इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड इज जीरो। क्यों? अरे यार अंदर मास ही नहीं है, अगर मास नहीं होगा तो चार्ज भी नहीं होगा। ये तो बिल्कुल शुरुआत में बात की थी ना, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ठीक है। तो क्यू इनक्लोज जीरो हो गया। अब फिर से वही चीज लगाते बेटा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो बिकॉज माई क्यू इनक्लोज इज जीरो। अब ये जो है बेटा, ये जो सरफेस रही हमारी गॉसियन सरफेस, दिस इज गॉसियन सरफेस, आप पूरा पूरा लिख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ओके। ये गॉसियन सरफेस जो हमारी है, क्लियर, ये अगर आप देखें तो ये कैसी है, सिमेट्रिक है इस चार्ज के साथ, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसके साथ बिल्कुल सिमेट्रिक है। दैट मींस ई कैसा होगा, कॉन्स्टेंट एंड रेडियल। अब बार बार वो सब चीजें नहीं लिखूंगा बेटा, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं यहां सीधे लिख सकता हूं ई इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू जीरो। नाउ व्हाट इज दिस ई, इसे हमने कहा था ई इन, तो यहां से मेरा आ जाएगा ई इन इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे मैंने लिख दिया, तो ये मेरा दो पॉइंट हो गए, एक सेंटर पॉइंट हो गया, एक ई इनसाइड हो गया, दोनों क्या आए, जीरो। इसका मतलब क्या है, मैं किसी भी पॉइंट को ले लूं बेटा, यहां पे पॉइंट ले लूं, यहां पॉइंट ले लूं, ये पॉइंट ले लूं, ओके, इन सब जगह, क्योंकि ये कहां है, मेरे चार्ज के अंदर, शेल के अंदर है, तो यहां पर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी,
जीरो क्लियर। तो यहां पर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। हाँ जी, इस पे कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। हाँ जी, कोई डाउट? फिर से समझा दीजिए। एक बार फिर से समझा दें। ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने आपसे कहा बेटा कि जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वहां पर ये हमने ले ली अपनी गॉसियन सरफेस। मैं फिर से आपको एक बार दिखा रहा हूं, ये मेरी गॉसियन सरफेस है और ये गॉसियन सरफेस मैंने कैसी ली है? स्फेरिकल। ठीक है, तो ये मेरी गॉसियन सरफेस है। अब क्यू इनक्लोज्ड क्या हो गया? जीरो बेटा। देखिए ना, इसके अंदर यहां कोई भी चार्ज है नहीं। चार्ज कहां है? चार्ज आपको क्लियरली दिख रहा है, ये रहा चार्ज एट द सरफेस। तो चार्ज तो सारा यहां पर आ गया, क्लियर। तो क्यू इनक्लोज क्या हो गया? जीरो। वेरी गुड। अब अगर क्यू इनक्लोज जीरो हो गया भाई, तो हमें पता है कि हमारा गॉस लॉ क्या कहेगा, ये रहा। ठीक है जी, इंटीग्रेशन E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। और जब ये आ गया मेरे पास, तो अब मैं क्या कह सकता हूं भाई, ये आपको दिख रहा है, ये जो मैंने बनाया हुआ है अपनी गॉसियन सरफेस, ये बाहर वाले के साथ बिल्कुल सिमेट्रिक है क्योंकि कंसेंट्रिक सर्कल है। ठीक है, तो इस केस में मेरी E कैसी हो जाएगी बेटा? कॉन्स्टेंट और रेडियल। अब आउटवर्ड भी हो सकती है, इनवर्ड। एक्चुअल में तो जीरो आना है, तो आउटवर्ड इनवर्ड की बात ही नहीं होगी, बट सिमेट्री की वजह से कह सकते हैं आप। यहां पर अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर है तो यहां पर भी अंदर की ओर होगी। अगर कोई कह रहा नहीं नहीं सर हमने तो बाहर की ओर मान ली, अरे मान लो भाई, अगर ये है तो फिर यहां भी कैसी होगी? आउटवर्ड। यहां भी कैसी होगी? आउटवर्ड। क्लियर। तो ये आपका आ गया ई इनसाइड जीरो। क्लियर है। अब एक और आगे बढ़ते हैं बेटा और अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो फिर से ये चार्ज आ गया हमारे पास और ये जो मेरा रेडियस मुझे दिया हुआ है आर। अब बेटा बात हमने क्या की थी? सरफेस की। तो अब देखिए मैं अपनी गॉसियन सरफेस कैसे ले रहा हूं। अब मेरी गॉसियन सरफेस है ये जस्ट आउटसाइड द सरफेस, ये सरफेस पे ही मैंने गॉसियन सरफेस ली। ठीक है, मैथ्स में जिससे आप आर प्लस कहते थे ना बेटा लिमिट्स में, तो रेडियस से जस्ट बाहर दैट मे बी फाइव और सिक्स मॉलिक्यूलर डाया, दैट मीन सारे का सारा चार्ज आपका क्या हो जाए? क्यू इनक्लोज्ड। ये क्यू इनक्लोज बेटा जो भी चार्ज आपने दिया था इसे, और वो चार्ज जो आपने दिया था वो क्यू दिया था, तो क्यू इनक्लोज अब कितना हो गया बेटा? क्यू। क्लियर। अब देखिए क्या आ जाएगा, फिर से बहुत आसान है, गॉस लॉ लिखेंगे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब Q enclosed आपको पता है, ये मैंने लिख दिया Q by epsilon, और बिल्कुल वैसे ही जैसे पॉइंट चार्ज के लिए किया था, बिल्कुल वही चीज है। अब क्या होगा, फिर से वही लाइन लिख लीजिएगा, ड्यू टू सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल एंड ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड। बार बार ये लाइन रिपीट हो रही है बेटा, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बेटा, देखिए यहां पे E, जस्ट अ मोमेंट, E, अब हमने इसे क्या कहा है? E सरफेस। यहां ये सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, ये मेरा आ गया इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्साइलन नॉट। ठीक है जी, अब
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारा, ये क्या है बेटा, ये है मेरा 4 पाई आर स्क्वायर, इसको समझना बेटा, ये मेरी क्या है गॉसियन सरफेस का, कैसी गॉसियन सरफेस, क्लोज गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस हमेशा क्लोज होती, ठीक है, तो क्लोज सरफेस ये स्फेरिकल था तो इसका सरफेस एरिया क्या जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, सो ई सरफेस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से ई सरफेस आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये बेटा हमारे पास सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है जी। हाँ जी, वो है हमारा आउटसाइड, ठीक, तो देख लेते हैं भाई आउटसाइड क्या होगा। तो अब मान लीजिए पॉइंट मेरे पास है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस एंड दिस डिस्टेंस इज स्मॉल आर, नाउ आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, फिर से एक गॉसियन सरफेस लेंगे और अब की जो मेरा रेडियस होगा गॉसियन सरफेस का, दिस वन इज माय गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस कैसी लिए बेटा, स्फेरिकल लिए, प्लीज सभी के लिए ध्यान रखिएगा, एक तो स्फेरिकल है, दूसरी कंसेंट्रिक विद शेल है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। जस्ट अ मोमेंट, ओके। अब बेटा क्यू इनक्लोज्ड क्या हो गया, व्हाट इज क्यू इनक्लोज्ड, सबको दिख रहा है, ये जितना चार्ज मैंने दिया था, तो लेट्स से दिस चार्ज इज क्यू, तो क्यू इनक्लोज्ड क्यू आ गया, फिर से लिखेंगे बेटा गॉस लॉ, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू Q enclosed by epsilon naught, ठीक है। फिर सिमेट्री वगैरह सब कुछ कहानी पुरानी वाली लिख दीजिएगा, बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं, ये आपका आ जाएगा Q by epsilon naught, Q by epsilon naught। अब देखिए यहां पर एक चेंज आ गया, now what is this, what is integration dA is closed, अब किसकी बात हो रही है बेटा, गॉसियन सरफेस की बात हो रही है, तो ये मेरा आ जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा e इंटू 4 पाई r स्क्वायर दैट इज q बाय epsilon नॉट, तो e आउट, आउटर पॉइंट जो मेरा है ये पॉइंट, ठीक है, यहां पर मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं एट सेंटर, इनसाइड सरफेस और आउटसाइड द शेल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट फोर पॉइंट्स। तो हमने जो चीज पढ़ी एक बार उसको जल्दी से समराइज कर लेते हैं, क्लियर। तो समरी हमारी क्या आई बेटा, कि अगर हमारे पास कोई शेल है जिसको हमने चार्ज क्यू दिया हुआ है, ओके, तो ई सेंटर इज जीरो, E inside is zero, E surface is 1/4 pi epsilon naught Q by R square, and E outside is 1/4 pi epsilon naught
by small r square, तो ये चार फॉर्मूले आपके बन गए, ठीक है जी। तो ये आपका पहला पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड शेल। अब सेकंड वाला जो केस है उसकी बात कर रहा हूं बेटा, देखिएगा सेकंड जो है बिल्कुल सिमिलर है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है जी। तो देखें अगर एक स्फीयर बन जाए जल्दी से, बन गया, बन गया, ओके। तो ये बेटा हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है। अब की ध्यान रखिएगा ये क्या है, एक तो सॉलिड है मतलब अंदर अब हॉलो नहीं है, ठीक है, और साथ में ये क्या है, कंडक्टर। तो अभी अभी मैंने आपको कुछ बात बताई थी कि अगर मैं इसको कोई चार्ज क्यू दे रहा हूं, सपोज मैंने इसको चार्ज क्यू दिया, तो ये सारा चार्ज कहां होगा, सरफेस पे। सारा का सारा चार्ज कहां जाएगा बेटा, एट द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर, क्लियर। एंड अगेन सपोज वी हैव रेडियस आर, तो जरा सी अभी देखते हैं, मैंने पुराने वाली कॉपी रखी हुई है, ओके। द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पर मास है बट चार्ज वाइज, और ये कैसा है, हॉलो, बट चार्ज वाइज, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, दैट इज सेम फॉर हॉलो कंडक्टर, ऑब्वियसली स्फेरिकल कंडक्टर की बात हो रही है, सेम एज सॉलिड कंडक्टर। हाँ जी, ये कितने लोगों को समझ में आ गया, ये समझ में आ गया तभी आगे बढ़ पाएंगे बेटा। यस, हाँ जी, कोई डाउट? नो सर। ओके, तो बेटा हुआ क्या कि चाहे हम पिछली वाली बात कर रहे थे हॉलो की, चाहे हम सॉलिड की बात कर रहे थे, बिल्कुल सॉलिड में यहां पर मास जरूर होगा बेटा। अगर आप इसको, मैं आपको फिल करके दिखाऊं, तो मैं एक लाइट कलर से इसको फिल कर देता हूं, ठीक है। ये रहा बेटा, यहां पर सब जगह मास होगा, ये बिल्कुल सॉलिड है, बट ये है क्या, कंडक्टर है, तो सारा का सारा चार्ज कहां पे आएगा, सरफेस पे, क्लियर। तो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, और फिर से अपनी पुरानी वाली सिचुएशन पे आ जाते हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास सेम है, अब मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बताएंगे, ओके, दिस इज रेडियस आर। नाउ व्हाट इज ई सेंटर, अब मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूं, प्रूफ पिछला वाला रिपीट कर लीजिएगा, व्हाट इज ई सेंटर, जीरो, ई इनसाइड, जीरो, ई सरफेस 1/4πε0 q/r2, अगर मैंने इसको q चार्ज दिया, ओके, एंड e आउटसाइड दैट इज 1/4πε0 q/r2, दिस इज my p आउट, आउटसाइड पॉइंट, एंड दिस डिस्टेंस इज r विच इज ग्रेटर देन capital R, this is R less than capital R, that means the point is inside, this is my point,
एनी रैंडम पॉइंट, आप कहीं पर भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं यहीं पे, आप यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए। तो जो पिछले बार के डेरिवेशंस थे वो सारे के सारे यहां पर फिर से यूज हो जाएंगे। क्लियर? हां जी, क्लियर हो गया बेटा? यस रिया, इज इट क्लियर टू यू? अमर्थ, ओके, आई हैव अ चैट, ओके, यस, विख्यात, यस सर, ओके, अनद, यस सर, अनुष्का रावत, यस सर, ओके, रागिनी, ओके, तो आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है? और अब थर्ड लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। और यहां पे आपको गिवन है बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपकी कांस्टेंट है, बिल्कुल बेसिक वैल्यू जो आपके बोर्ड में जिस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये मैंने आपसे कहा हुआ है। क्लियर? तो एक मिनट बेटा, हाँ चैट है, ठीक है, चलिए तो फिर से एक स्फीयर बना लेते हैं। ये हमारा स्फीयर है बेटा, ठीक है, इसका रेडियस हमें दिया हुआ है आर। अब समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब मैं आपसे कह रहा हूं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और बेटा आज के बाद अगर कभी भी आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी हो ना तो समझ जाइएगा कि इसका मतलब होता है नॉन कंडक्टिंग, ठीक है? क्यों होता है? क्योंकि कंडक्टर में सारा का सारा चार्ज कहां पे आ जाता है? सरफेस पे, वॉल्यूम पे चार्ज रह ही नहीं सकता। तो द होल चार्ज इज एट द सर्फेस, तो वहां पर हमेशा सर्फेस चार्ज डेंसिटी, बट अगर आपको दे दिया गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मीन्स नॉन कंडक्टिंग मटीरियल। अगेन वी हैव पॉइंट्स, ओके, सो वी हैव पॉइंट इनसाइड, वी हैव पॉइंट सर्फेस, एंड वी हैव पी आउटसाइड। क्लियर? तो इसमें इजी होता है अगर आप आउटसाइड से चलें। अब जरा सी मैं आपको इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूं बेटा, ठीक है, मैं इसको सेंटर पे कर लेता हूं जरा, और मैं आपको चार्ज दिखा रहा हूं कि इसमें चार्ज हमने कैसे दिया। तो चार्ज हमने मान लीजिए यहां पे दिया, तो अब ये चार्ज अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता, बिकॉज ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टर में तो ये सब मूव करके आपको पता है बाहर चला गया। सो नाउ वी हैव चार्ज विच इज फिक्स्ड, जहां हमने दे दिया वहीं चार्ज है, और ये हमने यूनिफॉर्म दिया हुआ है, ये हमने पहले ही आपको दे दिया, लिखे, क्लियर? तो ये मेरे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहा एंड रो, क्लियर? सो माय टोटल चार्जेस वॉल्यूम 4/3 πr³ इंटू डेंसिटी। तो ये एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि सारा कुछ यहीं से चलना है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इजी हो जाता है पहले किसको कैलकुलेट करना, एट सरफेस, तो ये रही मेरी
गॉसियन सरफेस। तो मैं फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूं ई सरफेस। ई सरफेस इज आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। ओके, तो ये मैंने ले लिया आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। नाउ व्हाट इज चार्ज इनक्लोज्ड? यस, आप सब मुझे देख के बता सकते हैं इसको। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये पूरा का पूरा चार्ज, जो भी चार्ज है बेटा, ये सब इसके अंदर है। और ये चार्ज था कितना हमारे पास? ये रहा। तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं 4/3 πr³ रो। ओके, या आप चाहें तो आप क्यू लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो भी आपको गिवन हो क्वेश्चन में, रो के टर्म्स में दिया हुआ है तो ये लिख लीजिएगा, क्यू के टर्म्स में दिया हुआ है तो ये लिख लीजिएगा। ओके, नाउ गॉस लॉ लगा देते हैं। गॉस लॉ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज समझिएगा बेटा, मैंने आपसे कहा था रो कैसा है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट अगर ये है तो फिर से हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी? सिमेट्रिक। हर जगह बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो हमारी ये सिमेट्रिक हो गई। और अगर ये मेरी सिमेट्रिक हो गई है तो मैं बड़ी इजीली लिख सकता हूं ई इंटीग्रेशन डीए। रिपीट नहीं कर रहा हूं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ई इंटीग्रेशन डीए इज क्यू बाय एप्सिलॉन। क्लियर? अब यहां से ये मेरा ध्यान रखिएगा ई सरफेस है। सो ई सरफेस इंटू, अब ये इंटीग्रेशन डीए क्या हो गया बेटा? हां जी, पूरे सरफेस का एरिया, दैट इज 4πr² एंड दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सो माय ई सरफेस इज 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। अरे ये तो बिल्कुल सेम आ गया। ओके, तो दिस इज सेम एज पॉइंट चार्ज, बिल्कुल वैसे जैसे आपने पॉइंट चार्ज कहां रख दिया हो? सेंटर पे। और ये डिस्टेंस आपका क्या हो? आर। इसका भी आंसर यही आया था, सिमिलर टू कंडक्टिंग स्फीयर, सिमिलर टू कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर और कंडक्टिंग शेल। तो सबका आंसर, इसलिए मैंने आपको ये पहले करा दिया। ओके, ओके, अब बेटा बात करेंगे आउटसाइड की, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है। अब ये रही मेरी गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल लग नहीं रही, अज्यूम कर लीजिएगा। ये मेरा आर, ये है कैपिटल आर, ये रही गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब क्योंकि सिमेट्री है तो फिर से आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट? ओके, अब जब आपने ये लिखा तो अब फिर से आपको पता है बेटा क्यू इनक्लोज फिर से क्या हो गया बेटा? आपका क्यू, ठीक है। और आप चाहें तो इसको 4/3πr³ इंटू रो ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज आपका चार्ज पूरे के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड था और ये रो आपको दिया हुआ था कांस्टेंट। क्लियर? तो अब अगर आप देखें तो यहां से फिर आपकी ई आउटसाइड आ जाएगी। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप सब खुद कर सकते हैं। 1/4πε0 क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये मेरी ई आउटसाइड बिल्कुल वैसी ही आई जैसी हमारी पॉइंट चार्ज में आई थी। यहां पे पॉइंट चार्ज प्लस क्यू रख दीजिए, आर डिस्टेंस पे यही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यही हमारी किसमें आई थी? कंडक्टिंग शेल में। और यही हमारी आई थी कंडक्टिंग स्फीयर में। क्लियर? अब खेल है लास्ट वाले का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंट होगा, अप्रोच ही बदल जाएगी। हाँ, ऐसी अप्रोच आपने कहां की थी? क्लास 11th में। तो ये बेटा मेरे पास एक स्फीयर है,
और ये जो मेरा स्फीयर है, अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पर, ठीक है, अब मैं आपको फिर से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूं। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस, ओके, और ये है मेरा रेडियस कैपिटल आर, ये मेरा डिस्टेंस है स्मॉल आर। तो एक काम करते हैं, फिर से अपनी गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। ये रही हमारी गॉसियन सरफेस, जब सर्कल बनना होता है तो नहीं बनता है, ओके, बन गया, ओके। सो दिस ग्रीन कलर की हमारी है गॉसियन सरफेस इस बार, ओके। सो दिस इज माय गॉसियन सरफेस। अब देखिएगा यहां क्या चेंज आया बेटा, गॉसियन सरफेस हमने बना ली, व्हाट इज क्यू इनक्लोज्ड, हाँ बस इसी में चेंज आया, और ये आ गया बेटा 4/3 pi स्मॉल आर क्यूब। कैसे आया ये देखिए बेटा, यही वॉल्यूम में तो है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम मेरा हो गया 4/3 pi आर क्यूब इंटू रो, ये मेरा क्यू इनक्लोज्ड आ गया, ठीक है जी। अब गॉसियन सरफेस आपको देख रही है, ये रही गॉसियन सरफेस, तो यहां पे हम इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ लगा दिया आपने, ठीक। अब फिर से बेटा क्या है, सिमेट्री है, सिमेट्री है तो ई क्या होगी, रेडियल, ठीक है, और ई अगर रेडियल होगी, ई अगर रेडियल होगी और साथ में कांस्टेंट होगी, तो हम यहां पर सिंपली लिख सकते हैं ई इंटीग्रेशन डी ए दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये मेरी आ गई ई इनसाइड। अब ई इनसाइड नाउ व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन डी ए, इंटीग्रेशन डी ए क्या हो जाएगा बेटा, इस गॉसियन सरफेस का, दैट इज 4 pi r² ओके। अब मैं ये क्यू इनक्लोज भी रख दे रहा हूं यहां पे, ये आ गया बेटा 4/3 pi r³ इंटू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये यहां से याद करना इजी हो जाता है, आप क्यू के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं उसको, आप क्यू रहने दीजिए उसको, तो भी आंसर वही आएगा आपका, ठीक है। यहां से ई इनसाइड आ जाएगा बेटा 4/3, ओके, अच्छा 4 तो कैंसिल हो गया, चलिए पहले कैंसिल करके आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए 4 pi और 4 pi कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से ये क्यूब वाला टर्म चला गया, तो सीधे सीधे मेरा आंसर आ गया रो आर बाय 3 epsilon। तो ये एक नई चीज, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अर्थ के अंदर जो फील्ड निकाली थी ना, याद है जी, तो जी इनसाइड अर्थ, बिल्कुल उसी तरह का फॉर्मूला है। और इसको अगर मैं क्यू के टर्म्स में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा देखते हैं, ई इनसाइड इज, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो ई इनसाइड इंटू 4 pi r² Now, what is Q enclosed? See, I can write it, ये वाली लाइन जो है ना, इसको लिख रहा हूं, इसको मैं लिख सकता हूं बेटा 4/3 pi r³ रो r³ by R³। ये समझ में आया बेटा, मैंने क्या किया, मैंने इसको यहां मल्टीप्लाई किया और इसी से डिवाइड कर दिया, अब ये तो सेम टर्म है, ठीक है। इससे हुआ क्या, इससे मेरा जो ये वाला टर्म था, क्लियर, ये रो को इंक्लूड करके ये बन गया कैपिटल क्यू, और आप इसे सिंपली वॉल्यूम के साथ भी कर सकते हैं, तो ये हमने बहुत पहले किया हुआ है, ठीक। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा मेरा, क्यू आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब और नीचे था एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आप कैंसिल कर दें भाई, ये आर स्क्वायर से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, मेरा आंसर क्या आ जाएगा,
1 by 4 pi epsilon naught q r by r cube. और अभी आपको कुछ याद आएगा, देखिएगा. ठीक है, पहले इसको नोट कीजिए, फिर आपको बता रहा हूं कि क्या याद आएगा. इसको मैं लिख सकता हूं e inside 1 by 4 pi epsilon naught q by r square into small r by capital R. कुछ याद आया? E inside is E surface into small r by capital R. ठीक है जी, तो इसकी भी सेम लिख लेते हैं जल्दी से. ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, तो E सेंटर मेरा होगा जीरो. ऑल्दो मैंने ये सेंटर आपको प्रूव नहीं किया था, बट क्योंकि सिमेट्री थी इसलिए वो जीरो होगा. ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा बेटा. तो अगर हम बात करें ई सेंटर, तो वो भी क्या आएगा? जीरो. ई इनसाइड, अभी अभी हमने लिखा था E surface into small r by capital R, या इसको आप याद रख सकते हैं rho r by 3 epsilon naught. E surface की अगर आप बात करते हैं तो ये बिल्कुल सेम आता है 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. और E outside की अगर आप बात करते हैं तो ये आपका जाता है 1 by 4 pi epsilon naught q by small r square. So again we have 4 formula. Okay, तो total अगर आप देखें तो आज हमने 12 derivations कर लिए. वो बात अलग है कि सबके सब एक से थे, केवल दो टाइप के derivation हमने किए हैं reality में. Clear? Center, surface, outside बिल्कुल similar थे. Conducting sphere, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, ठीक है, या शेल कह लीजिए. तो ये सब एक से थे, डिफरेंस कहां पे था? सिर्फ ई इनसाइड में. ओके, तो कल बेटा इनके कुछ ग्राफ करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ होते हैं, दैट इज नोन एज ई आर ग्राफ. और आज यहीं पर कंप्लीट करते हैं. ठीक है, तो यहां तक कोई भी किसी तरह का डाउट बेटा आपके पास हो तो आप पूछ सकते हैं. नो सर. Oh, sir. Okay, then. Thank you. Bye-bye. Thank you, sir. Okay.